ये है हमारी कहानी के हीरो ज़ैन और फिज़ा। ज़ैन रहता है अपनी सुस्ती से बेज़ार, फिज़ा रहती है हर काम के लिए तैयार। ज़ैन करता है सब बार बार यार, पर भूल जाता है जब पूछे उस्ताद। और फिज़ा फौरन ही सब याद करती है, इसीलिए टीचर भी उस पे फख्र करती है। फिज़ा रहती है एक्टिव, करती है जॉगिंग और एक्सरसाइज। ज़ैन की होती है चंपी, तेल की होती है चंपी, बट नो एक्सरसाइज। ज़ैन थक जाता है खेल के दौरान जल्दी, फिज़ा नहीं आने देती किसी की भी बारी जल्दी। ज़ैन भी करता है काम अच्छे अच्छे, जो अम्मी की तरबियत का मान रखे, मगर कुछ तो है जो उसे ना काम रखे। जी हाँ, खुले दूध का इस्तेमाल, जिसमें ना विटामिन है, ना प्रोटीन, ना ही कैल्शियम की सही मिकदार। खुला दूध तो बस एक ही काम करता है, खुले दूध से हो जाती है रही सही ताकत भी बेकार। और फिज़ा पीती है टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध, जिसमें है दूध की ग़िज़ायत भरपूर। ज़ैन उठो ना बेटा, ज़ैन चलो बेटा उठो, उठो ना ज़ैन, चलो बेटा उठो ना। अम्मी क्या है? ज़ैन मेरा बच्चा, मेरी जान, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, उठो जल्दी से। अम्मी। ज़ैन मेरा शेर बच्चा, उठो ना। अम्मी मुझे नहीं उठना। अरे आज आपका रिजल्ट भी तो है, है? अरे हाँ आज तो मेरा रिजल्ट है। अरे क्या हुआ है? अम्मी मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, जल्दी करें। आराम से बेटा आराम से। अच्छा सुनो ज़ैन, ज़ैन क्या बात है? आज फिर दूध फट गया, ये लो पैसे, तुम वापसी में 1 किलो दूध ले आना। अच्छा अम्मी। अरे भूलना मत। मर गया। चलो बेगम जल्दी जल्दी जल्दी। हिना क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, अच्छा भला नाश्ता कर रहा था, दूध का गिलास पीते ही उल्टियाँ लग गई इसको, आधे घंटे में 10-12 उल्टियाँ हो गई, अब डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। लोग ये दूध कैसे पी लेते हैं? अपना गबलू, दूध में पानी मिलाने का काम हो गया है। एकदम होके खड़ोस उस्ताद, 1 किलो दूध का 2 किलो दूध तैयार हो गया है। शाबाश हो, इसलिए तो मैं कहता हूँ मुझ नहीं तो कुछ नहीं, आटे में भूसा नहीं, दाल में कग्गर नहीं, पानी में दूध नहीं, तो समझो आमदनी कुछ नहीं है। कैसी बात है, ताली में हाथ ला। यानी हम सबकी जेब में माल ही माल होगा और इन सब का काम तमाम होगा पानी मिला के। तो ये जो खुला दूध है ना, इसको मुझे गली गली मोहल्ले मोहल्ले सप्लाई करना है। ऐसे 10 और अड्डे बनाने हैं दूध में पानी मिलाने के लिए, कपला शपला करने के लिए, समझ रहा है गपलू? है सर जी, कपले की बात गपलू फौरन समझता है। ऐसा बशे, और आपके साथ रहने के मिलावट करने की आदत इतनी पक्की हो गई है कि मैंने आधा दूध और आधा पानी पूरी ईमानदारी से मिला दिया सर जी, 50-50 का हिसाब है ना हमारा मिलावट में। खैर हो तेरी। कैसी बात है उस्ताद, ताली दे। ओए खराब नारियल की शक्ल के आदमी, तू मेरा मजाक उड़ाता है, ताली दे। चपेड़ ले अब, बता, ताली दे, मजाक उड़ाता है, लात दे। कितनी कड़क लात मारी है। ओए ये अद्धा किधर मर गया? अद्धा बौए के साथ है उस्ताद। ओ जाओ बुला के लेके आओ उन दोनों काम चोरों को। फिर वही दूध। क्या बात है ज़ैन, आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है?
तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, फिर तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? देखो मैंने तुम्हें डी प्लस दिया है और तुम्हें मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अड्डे पे नहीं पहुँचे तो खड़ूस उस्ताद तुम दोनों को मुर्गा जरूर बना देगा। वो बहुत गुस्से में है आज। वो चल पवे, वो जल्दी से बैठ जा मोटरसाइकिल पे। इसको भी अभी आना था। चल यार लिख जाओगा। देखो मैंने तुम्हें डी प्लस दिया है, डी प्लस दिया है, डी प्लस दिया है। जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। बहुत बोल रही है भाई, इसका कद देखो और बातें देखो। देखो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अच्छा वरना? वरना क्या कर लोगी? ओए गाड़ी में डालो इन दोनों को। अरे ये क्या? वही दूध और क्या? देख क्या रहे हो, हैटी लगाओ जाके। कम ऑन, अब मेरी बारी। अभी हमारा पल्ले का टाइम है जवान। मर गई।
तुम तो बड़ी जबरदस्त फाइटर हो, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली, बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मगर तुम हो कौन? मैं, मेरा नाम फिजा है और मैं एक मिल्कटियर हूँ। हैं? मिल्कटियर? अरे सुनो। हाँ बोलो। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हर बच्चा मिल्कटियर बन सकता है, बस उसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा, उसे सुबह शाम टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध पीना होगा। दूध? ओह मर गए। क्या हुआ? मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ याद रखने की कोशिश करता हूँ मगर हर दफा भूल जाता हूँ। अब अम्मी ने दूध मंगवाया था और मैं वो खरीदना ही भूल गया। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा, वो बहुत खुश होंगी तुमसे मिलके। जरूर चलो। एक मिनट, मैं ये सामने वाली दुकान से दूध खरीद लूँ फिर चलते हैं घर। अरे सुनो। हाँ बोलो। देखो तुम मिल्कटिया बनना चाहते हो ना? हाँ। ये लो बेटा। तो फिर आज से तुम खरीदोगे टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध, समझ गए? मगर वो क्यों? ये मैं तुम्हें घर चल के बताऊंगी। अम्मी अम्मी। क्या हुआ? अम्मी कुछ होंडे मुझे उठा कर ले जा रहे थे। है? या अल्लाह खैर। ये फिजा है, आज इसने ना मेरी जान बचाई। जान बचाई? सारे हुंडों को अकेले मार के भगा दिया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मगर बेटा तुम्हें डर नहीं लगा क्या? आंटी आप खुद बताएं, डरना क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बेटा तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई? अम्मी यही तो मैं भी पूछ रहा था इससे, मगर इसने बताया ही नहीं। अरे हाँ हाँ अभी बताती हूँ, पहले ये दूध तो दे दो अम्मी को। ओह अम्मी ये ले दूध। ओहो अरे जैन बेटा, ये डब्बे वाला दूध क्यों ले आए? आंटी इसलिए कि यही महफूज और खालिस दूध है। पर बेटा। आंटी यही तो है मेरी ताकत और तंदुरुस्ती का राज। पर बेटा ये दूध डब्बे में कैसे महफूज रह सकता है? खैर मैं बताती हूँ। ये देखिए टेट्रा पैक की 6 तहों वाली स्पेशल पैकेजिंग, जो दूध को रखती है रोशनी हवा और जरासीम से बचाकर अच्छी तरह महफूज। यानी टेट्रा पैक पैकेजिंग में वही दूध? और क्या। ये लो बच्चों। थैंक यू। अरे तुम कौन हो? मैं हूँ मोमू। मोमू? अरे रे डरो नहीं, ये दोस्त है हमारी। मोमू मैं हूँ मोमू, मोमू मेरा नाम है, दोस्ती मेरा काम है, सबको ताकतवर बनाओ, सुस्ती तुम्हारी यूं भगाओ, टेट्रा पैक में महफूज दूध का आओ तुम्हें मैं राज बताऊं। सुनूं कि हमारा दुश्मन कौन है? खड़ूस हमारा दुश्मन, जिसका खुला दूध ने सरमाया, इसने अग्गे पव्वे खड़ू को उसने हिलाया। मुश्किल सही, नामुमकिन नहीं, जो जाल खड़ूस ने बिछाया, छेले इसके जादू ने दूध को खूब बचाया। इस मिशन में तुम्हारे मुहाफिज है चार, जो है ताकत से भरपूर और हर मुश्किल के लिए तैयार। कैल्शियम, विटामिन,
प्रोटीन, जिनकी ताकत से बनी हमारी टीम, बनाएंगे नाकाम हम खड़ूस की हर स्कीम। क्या कहते हो जैन, करोगे ज्वाइन हमारी टीम? यस, मैं भी बनूंगा मिल्क टियर। जबरदस्त। वाओ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी ताकत। अब तुम मिल्कटियर बन चुके हो। यस, अब मैं खड़ूस को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं, हम। हाँ, हम रोकेंगे उसे मिलावट वाला और गैर महफूज दूध सप्लाई करने से। हम अब और बच्चों को जहनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर नहीं होने देंगे। यस, पूरे मुल्क में टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज सेहतमंद दूध का पैगाम आम करेंगे। यही है हमारा मिशन।